पे कुदरत की फनकार ने दस्तक दी। फिर चलने लगा जादू और फूट पड़ा दरिया। ख्वाबो के खजानों का पत्थर होके शीशा हो, लकड़ी होके कपड़ा हो, धातु होके नगीना हो, धागा हो या मिट्टी हो, हर शय से उभर आया जीवन का नया। तहरीर शिफाकत है अनमोल विरासत है, अनमोल विरासत है। आज हम पश्चिम बंगाल के शहर वर्धमान से 150 किलोमीटर दूर बनकपासी गांव में आ गए हैं। इस गांव के हर घर में फनकार अपने हाथों के हुनर से अपने ख्वाबों के नमूनों को शोलापित में बुनता है। शोलापित आखिर है क्या? ये एक जंगली पौधा है जिसके अंदरूनी नर्म मुलायम सफ़ेद हिस्से को तमाम तरह की आरायशी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आइए इसके बारे में और भी जानते हैं। शोला मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, असम और कर्नाटक के पानी से भरे दलदली इलाकों में उगने वाला जंगली पौधा है। शोला पेट इसी पौधे के तने से बनाया जाता है। ज्येष्ठ महीने से लेकर बारिश शुरू होने तक धीरे धीरे उस जगह पर पानी भर जाता है और वहीं पे ये शोला बढ़ना शुरू होता है और भाद्र महीने से लेके आश्विन महीने के अंदर काट लेना होता है। और शोला जितना पानी के अंदर डूबा होता है उतना ही काम का होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं थोड़ी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। मेरे बालों की खूबसूरती में चार चांद लगा रही आखिर ये चीज है क्या? मुझे खबर है कि आपको इसका जवाब मालूम है। इसका सबब मेरे इस गजरे से है और ये गजरा बना है शोलापित से। आज हम शोलापित के हुनर को जानेंगे और इसकी बारीकियों को समझने के लिए आशीष मालाकार से रूबरू होंगे। आप हैं आशीष मालाकार, शोलापित के माहिर फनकार जिनका हुनर ही खुद उनकी जबान बोलता है। मेरा नाम आशीष मालाकार है और मेरे वालिद का नाम आदिल मालाकार है। मैं मंगलकोट का रहने वाला हूँ। मेरे सभी घर वाले शोला का ही काम करते हैं। मेरे दादाजी और दादी जी ने इस काम की शुरुआत की थी। मेरी दादी जी को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था और फिर मेरे वालिद साहब को भी प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। बहुत खूब आशीष जी, बहुत खूब, बहुत कमाल का काम है आपका। ये
এটা তো অনেক ধার আছে, তো এবার এটা ধরুন একটু লাগলেই কেটে যাবে, এবার তার জন্য এটা গার্ড, এটা এখানে লাগিয়ে নি, ব্যাস এবার কাটলে কোনো অসুবিধা নেই, মানে লাগলেও আমার কাটবে না আর কি। शोला पित के पौधे के तने के कई टुकड़े किए जाते हैं और उनकी ऊपरी भूरी परत छील दी जाती है, जिससे सिर्फ अंदरूनी हिस्सा ही बचा रहता है। शोला कारीगर कई तरह के औजारों का इस्तेमाल करते हैं, छोटी बड़ी कैंचियाँ, बांस की चिमटियाँ और तरह तरह के चाकू, लेकिन जो सबसे जरूरी औजार है वो है काट। कारीगर को काम करने के लिए चाहिए कई तरह के औजार और कुछ सामान, सदा हुआ लकड़ी का फट्टा, अलग अलग साइज के काट, कई तरह की कैंचियाँ, करात लट्टू जैसा औजार, कई तरह के चाकू और छोटे कात। फनकार को खाम माल की जरूरत भी होती है, शोला पौधे के तने, बांस की खपच्चियां, घर में बनी लुगती या गोंद, सुनहरे चमकीले रंगीन कागज, गोटा, किनारियां, जरी की डोरियां, सितारे, कुंदन, प्लास्टिक के फूल वगैरह। शोला पित नर्म, मुलायम और निहायत ही नाजुक शोला डंठल और नाल से खूबसूरत चीजें बनाने का अनोखा फन है। शोला का पौधा झीलों, तालाबों और दूसरे नमी वाले इलाकों में उगता है। इसकी बाहरी परत का रंग भूरा होता है, जिसे निकालकर इसके अंदरूनी मुलायम हिस्से के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं और फिर एक तेज धार वाले चाकू से इसकी परतें निकाली जाती हैं और फिर इन परतों से दुर्गा माँ के लिए ये खूबसूरत गहने और कपड़े बनाए जाते हैं। इस नर्म और दूध जैसे सफेद और स्पंजी हिस्से को निकालने के लिए बाहरी परत को उतारने में बड़ी महारत दरकार होती है। शोला के तनों की बाहरी छाल एहतियात से कात की मदद से छील दी जाती है। तने के सफेद गूदे को कई परतों में काटकर शीट्स बना ली जाती हैं। फनकार इन तनों से कई शीट्स तैयार कर लेता है। अलग अलग शीट्स एक दूसरे में लपेट ली जाती हैं और फनकार काम करने के लिए इस अमल में शोला के कई रोल्स तैयार कर लेता है। शोला की शीट्स फनकार का खास खाम माल होता है, जिससे वो कई तरह की मसनूआत तैयार करता है। फनकार दूध जैसे सफेद शोला को अब कई रंगों में भी रंगने लगे हैं। हमारा देहात शोला के काम की एक बहुत बड़ी सनत बन चुका है। हमारे देहात के लोग अब माशी तौर पर तरक्की कर गए हैं और इस देहात के लोग काम के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सभी जगह जा रहे हैं। विभिन्न जगह
शोलापित इसी पौधे के तने से बनाया जाता है। तने के मटियाले रंग के बाहरी हिस्से के अंदर एक सफेद और नर्म हिस्सा होता है। इसका अंदरूनी हिस्सा हल्का सुराखदार और मुलायम होता है, जिसे फनकार अपनी पसंद की शक्ल में ढाल सकते हैं। शोलापित फन की तारीख बहुत पुरानी है। 11वीं सदी से ही जगन्नाथपुरी के मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों को इन जेवरों से सजाने संवारने का रिवाज चला आ रहा है। इस फन के तारीखी सबूत हमें पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और तमिलनाडु में देखने के लिए मिलते हैं। फनकार पहले कागज पर डिजाइन बनाता है और फिर उन्हें शोला के मुकम्मल मसनुआत में उतारता है। फनकार कई तरह के नमूने कागज में काटता है। कारीगर सबसे पहले कई तरह के डिजाइन्स बनाता है, जैसे तरह तरह के फूल, पत्तियां और अलग तरह की बीडिंग्स यानी पट्टियां, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स। बेसिक डिजाइन्स बनाने के बाद उनसे कुछ बड़े नमूने बनाए जाते हैं। मुकम्मल नमूने के छोटे बड़े तैयार अज्जा को दुर्गा माँ और कई देवी देवताओं के मलबूसात और जेवर के अलग अलग हिस्सों पर सजाया जाता है। यहाँ हम इन डिजाइनों को तैयार कर रहे हैं। यहाँ इनको फेविकोल या मैदे के गोंद से चिपकाया जाता है। रंगीन कागजों पर भी शोला से सादे और बेनतहा खूबसूरत नमूने बनाए जाते हैं। फनकार शोला का काम टिश्यू पेपर और कपड़े दोनों पर बड़ी आसानी और खूबसूरती से कर लेता है। मैं ट्रेनिंग मास्टर हूं। मैं मुख्तलिफ जगह पे सरकार की तरफ से ट्रेनिंग देता हूं और बाहर भी काफ़ी प्रोग्राम करता रहता हूं। मैं हैंडीक्राफ्ट का प्रोग्राम करता हूं। मेरे घर वाले, मेरे बेटे और मेरी बहुएं भी यही काम करती हैं। मेरे शागिर्द भी यही काम करते हैं और यही मेरी रोजी रोटी है। पौधे के अंदरूनी मुलायम हिस्से को इस खूबसूरत शक्ल में तब्दील करने वाले फनकारों को मालाकार कहते हैं।
क्योंकि जब इस फन की शुरुआत हुई तब शुरुआती दौर में इसकी सिर्फ मालाएं और हार बनाई जाती थी। कदीम ज़माने से ही देवी देवताओं की मूर्तियों को सजाने के लिए इस फन का इस्तेमाल किया जाता है। दुर्गा माँ को सजाने के लिए और इनके जेवर और कपड़े बनाने के लिए सिर्फ शोला पित ही नहीं बल्कि कभी कभी सुनहरे रंग बिरंगे हरे लाल पीले नीले गुलाबी कागज़ जरी गोटा किनारी कांच कुंदन सलमा सितारे इनका भी इस्तेमाल होता है और ये खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं। टीन के फॉइल तरह तरह की अशकाल में काटकर पित्त के टुकड़ों में चिपका दिया जाता है। ये डिजाइन सफेद रंग की नक्काशी का है जो शोला से बना हुआ है और वो वाला शोला को कलर करके बनाया गया है। शोला पित्त को बंगाल में हमेशा से आराइश के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। शोला पित का काम सिर्फ इस गांव के मर्द ही नहीं बल्कि औरतें और बच्चे भी उतनी ही नज़ाकत और बारीकी से करते हैं। मैं दुर्गा की मूर्तियाँ बनाने के लिए काम करता हूँ। हर तरह की मूर्तियाँ बनाता हूँ, ख़ास तौर पर शोला से मूर्ति बनाता हूँ और वो मूर्ति बैरूनी ममालिक में भी भेजी जाती हैं और मेलों में बिकती हैं। दस्तकारी नुमाइशों में भी मैं भेजता हूँ। हर साल मेले में हम ये काम करते हैं। चलिए आपको एक बड़ी ही हैरतअंगेज बात बताते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में शोला पित्त का इस्तेमाल शोला टोपियां बनाने के लिए किया जाता था। शोला के गूदे पर हमारे देश की चिलचिलाती गर्मी का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अंग्रेज़ों ने शोला टोपियां और शोला हेलमेट बनाने शुरू कर दिए। थी ना बड़ी दिलचस्प बात। शोला पित्त से तरह तरह के फूल तैयार किए जाते हैं। दस्तकार इस रोल में से एक इंच लंबा टुकड़ा काटता है। कटे हुए हिस्से पर चाकू से वी के निशान बनाए जाते हैं और अंगूठे और कलमे की उंगली की मदद से गैर रंगीन हिस्से को पकड़ता है और उसे एक फूल की शक्ल दे देता है।
शोला से कई किस्म के फूलों के नमूने बनाए जाते हैं, गुलाब, चंपा, मोतिया, चमेली। और ये फूल कभी कभी असली रंगीन फूलों से भी ज्यादा पाक साफ लगते हैं। जी, ये मौसम और आपका ये सितार, माशाल्लाह, दिल खुश हो गया। हम सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियां ही नहीं बनाते, हम दिल्ली का रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ग्रेटर नोएडा, ताजमहल, कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल, मक्का मदीना, हर चीज शोला से तैयार करते हैं। दशहरे के मौके पर शोला पिस से दुर्गा माँ की मूर्तियां बनाई जाती हैं। फनकारों ने अपने हाथों से जो हसीन शोला पित के गहने बनाए, उनसे देवी माँ की मूर्ति को दुर्गा पूजा के लिए सजाया जा रहा है। पित फनकारों का कमाल बड़ी बड़ी मूर्तियों को सजाने में जाहिर होता है। पूरे भारत में दुर्गा पूजा के लिए दुर्गा माँ और कई देवी देवताओं के तरह तरह के बेइंतहा खूबसूरत मलबूसात शोला पिस से ही तैयार किए जाते हैं। इन पाक मलबूसात का हुस्न देखते ही बनता है। देवी देवताओं के सिंगार के लिए सिर, माथे, गले, बाजुओं और हाथों की सजावट शोला पित से तैयार जेवरात से ही की जाती है। दुर्गा देवी का मुकुट बहुत बड़ा और बहुत आरायशी होता है। शोला फनकार एक शक्ल को तैयार करने में महीनों लगा देते हैं। इस काम में बड़ी मेहनत और मंसूबाबादी है,
और इसे इतनी नज़ाकत और इतनी नफासत के साथ किया जाता है कि कभी कभी इस बात का यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये हुस्न जमाल इंसानी हाथों ने जंगली पौधे के एक मामूली गूदे से तैयार किया है। ये काम हम लोग 4 साल से कर रहे हैं। इस बार हमारे पास 25 दुर्गा प्रतिमाएं हैं और 25 हम लोग पहले डिलीवर कर चुके हैं। दुर्गा पूजा के समय हम जो भी कुछ करते हैं उससे परिवार में आर्थिक मदद जरूर हो जाती है। मैं इस शोला के काम के लिए बैरूनी ममालिक भी जा चुका हूँ। ये काम मेरी फैमिली का है और मैं बहुत खुश हूँ इस काम को करते हुए। इस काम के लिए मैं बहुत जाता हूँ और बहुत से लोगों से मिलता हूँ। माँ दुर्गा की मेहरबानी से सभी कुछ अच्छा हो रहा है। बाबा, मुझे बनकपासी में घूमते घूमते पता चला कि आप सबसे उम्दा और सबसे तजुर्बेकार फनकार हैं, तो हमें शोला पित के बारे में कुछ बताइए और हमें ये भी बताइए कि आप अपने फन से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये काम करके हम बहुत खुश होते हैं। इस काम के बदले जो भी लेन देन होता है वो दुर्गा पूजा के बाद खत्म हो जाता है। मेरा काम दिल्ली, मुंबई, मद्रास, त्रिपुरा, असम, गुवाहाटी, इन सभी जगहों पे जाता है। तो अब ये बात वाज़े हो चुकी है कि अपने मखसूस मज़हबी अकीदे और उसूस की बदौलत शोलापित आज भी एक ज़िंदा फ़न के तौर पर कायम है और इन कारीगरों का हुनर, इनका तजुर्बा और इनका इल्म ही आज ने गैर मज़हबी चीज़ें तैयार करने में मदद कर रहा है। तो अब ये फ़नकार गैर मज़हबी आरायशी चीज़ें बना रहे हैं जो कि काफ़ी मकबूल भी हो रही हैं। तो बनकपासी में हमारा आज का सफ़र ख़त्म होता है। हम अब मिलेंगे किसी दूसरे शहर में किसी नए फ़न के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अनमोल विरासत अनमोल।